बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सफ़रनामा सियालकोट में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं सियालकोट जंक्शन पर। सियालकोट जंक्शन 1880 में तामीर किया गया, जबकि लाहौर जंक्शन 1860 में तामीर किया गया। अंग्रेज़ दौर में सियालकोट जंक्शन से 33 ट्रेनें चलती थी और आज सिर्फ 2 ट्रेनें चलती हैं, एक अलामा इकबाल एक्सप्रेस और दूसरी लासान एक्सप्रेस। अलामा इकबाल एक्सप्रेस सुबह 7 बजे सियालकोट से लाहौर के लिए रवाना होती है, फिर लाहौर से कराची जाती है, और लासान एक्सप्रेस सिर्फ सियालकोट से लाहौर जाती है। अंग्रेज़ों ने सियालकोट जंक्शन से रेलवे ट्रैक जम्मू तक बिछाया गया। इस वक्त यहाँ से ट्रेनें जम्मू जाया करती थी। 1905 में इसकी ब्रांच लाइन वजीराबाद जंक्शन और नारवाल जंक्शन मुकम्मल हो गई। इनको सियालकोट जंक्शन से जोड़ दिया गया और यहाँ से ट्रेनें लाहौर और कराची जाने लगी। सियालकोट जंक्शन पर इंजन शेड और वॉशिंग लाइन नहीं है, तो सुबह 7 बजे अलामा इकबाल एक्सप्रेस वजीराबाद जंक्शन से साफ़ सुथरी होकर सियालकोट जंक्शन पहुंच जाती है, जहां से फिर ये कराची के लिए रवाना होती है। 1971 की पाक भारत जंग में इंडियन एयरफोर्स ने सियालकोट जंक्शन पर गोलाबारी की, जिसकी वजह से इसको काफ़ी नुकसान हुआ। अलामा इकबाल एक्सप्रेस सुबह 7 बजे नारवाल जंक्शन के लिए रवाना होती है और फिर नारवाल जंक्शन से लाहौर के लिए रवाना होती है। लाहौर जंक्शन पर इसका इंजन तब्दील किया जाता है और पावरफुल इंजन लगा दिया जाता है, जो अलामा इकबाल एक्सप्रेस का कराची तक साथ देता है। पार्टीशन से पहले ये वही ट्रैक था जो जम्मू कश्मीर जाया करता था। यहाँ से यह ट्रैक जाता था, आगे डालोवाली कैंट है, वहाँ छावनी थी, रेंजर्स की छावनी थी। वहाँ एक स्टेशन था जो अब तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है, लेकिन उस वक़्त बिल्कुल अपनी सही कंडीशन में था। तो वहाँ से ट्रेन जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती थी। उसके बाद 1905 में जब ब्रांच लाइन मुकम्मल हो गई, तो सियालकोट जंक्शन से ट्रेनें पूरे बर्रे सगीर में जाने लगी। तो आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।